किसानों के आंदोलन के बीच केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कृषि कानूनों का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि सरकार किसानों के साथ अन्याय नहीं करेगी। नितिन गडकरी ने कहा कि फिलहाल कृषि और वाणिज्य मंत्री किसानों से बातचीत कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर मुझसे किसानों से बातचीत करने को कहा जाएगा तो वो जरूर ऐसा करेंगे। आपको बता दें, किसानों के आंदोलन का आज 20वां दिन है। गडकरी ने कहा कि उनकी सरकार बातचीत के जरिए समाधान निकाल लेगी। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि किसानों को इन कानूनों को समझना चाहिए। हमारी सरकार किसानों के लिए काम करने को प्रतिबद्ध है और उनके दिए गए सुझावों का भी स्वागत है। इस सरकार में किसानों के साथ कोई भी अन्याय नहीं होगा। कुछ तत्व किसानों के आंदोलन का इस्तेमाल कर उन्हें भटकाने की कोशिश कर रहे हैं, ये सरासर गलत है। किसानों को तीनों कानूनों को समझना चाहिए। भविष्य की योजनाओं पर बात करते हुए गडकरी ने कहा कि आने वाले वक्त में प्लेन ऐसे ईंधन से उड़ेंगे जो इथेनॉल से बनेगा। इसका पैसा भी किसानों को मिलेगा। किसानों को समर्थन देते हुए अन्ना हजारे ने सरकार को आमरण अनशन की चेतावनी भी दी है। अगर किसानों के मुद्दे नहीं सुलझे तो अन्ना करेंगे आमरण अनशन और बहुत जल्द अनशन की तिथि और स्थान के बारे में भी बताएंगे। आपको बता दें, 8 दिसंबर को भारत बंद के दौरान अन्ना ने उपवास रखा था। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें TV9 भारतवर्ष। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।